हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं मोदी को टारगेट करने में लगी रही। बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर। गुजरात विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के लिए कांग्रेस ने आंसू बहाया और उनका बचाव करते हुए हमारे सशस्त्र बलों पर आरोप लगाते हुए एनकाउंटर को फर्जी करार दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस के गड़ियाली हाथों का जवाब दे दिया है। मोदी ने कहा कि गुजरात में नहीं पूरे देश को कांग्रेस सहित अन्य दलों से दूर रखा जाना चाहिए, जिन्हें सर्जिकल स्ट्राइक पर संदेह है, हमारी सेना की ताकत पर संदेह है, वोट बैंक की राजनीति है और आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात चुनाव में प्रचार करने पहुंचे थे। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं मोदी को टारगेट करने में लगी रही। जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है। हमारा गुजरात भी लंबे समय तक आतंक के निशाने पर रहा है। सूरत हो, अहमदाबाद हो, इन शहरों में सीरियल बम धमाकों में बहुत से गुजरात के मेरे भाई बहन मारे गए। कुछ महीने पहले अहमदाबाद कोर्ट ने इन गुनहगारों को गंभीर सजा दी। गुजरात चाहता था कि आतंक का ये खेल खत्म होना चाहिए। भाजपा सरकार ने यहां गुजरात में आतंक के स्लीपर सेल पर बड़ी बारीकी से कार्रवाई की। यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं मोदी को टारगेट करने में लगी रही। जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टिकरण की दृष्टि से देखती। साय में गुजारा किया है। सूरत और अहमदाबाद सहित गुजरात के कई शहरों में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट हुए। इस आतंकी हमले में गुजरात के लिए कई भाई बहन मारे गए। मोदी ने कहा कि अहमदाबाद कोर्ट ने हाल ही में इन आतंकी हमलावरों को कड़ी सजा दी थी। गुजरात के लोग इस आतंकवादी हमले का अंत चाहते हैं। गुजरात में स्लीपर सेल पर भी बीजेपी सरकार ने जोरदार हमला बोला। आतंकवादियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कार्रवाई होने तक भाजपा ने लगातार संघर्ष किया है, लेकिन दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों के पक्ष में बोल रही है। हम कहते रहे आतंकियों को निशाना बनाओ, लेकिन कांग्रेस ने चरमपंथियों को छोड़ दिया और मोदी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।